आजकल एक शब्द आपको बार बार देखने को, सुनने को और पढ़ने को मिल रहा होगा और वो है डिजिटल अरेस्ट। तो क्या होता है डिजिटल अरेस्ट, कौन होते हैं डिजिटल अरेस्ट के शिकार, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है एडवोकेट राज राठौड़ और आप देख रहे हैं एडवोकेट राज राठौड़ यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल अरेस्ट। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। देखिए, डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द हमारे कानून में नहीं है। डिजिटल अरेस्ट एक प्रकार का साइबर क्राइम है जो लोगों के साथ होता है। डिजिटल अरेस्ट का यहाँ पर मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को साइबर क्राइम में फंसाता है और वो उसको डिजिटली अरेस्ट करके रखता है, इसलिए इसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। वो उसकी गिरफ्त में बना रहता है, इसलिए इसको डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। देखिए, डिजिटल अरेस्ट में होता यह है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कॉल करता है, जो साइबर फ्रॉड करने वाला होता है वो किसी व्यक्ति को कॉल करता है और ये बोलता है कि आपका आधार कार्ड या आपका जो है बैंकिंग डिटेल किसी गलत काम में पाई गई है, तो ऐसे में आपको हम गिरफ्तार करने वाले हैं। वो ये बोलता है कि मैं पुलिस अधिकारी हूँ, फलाना थाने में पोस्टेड हूँ और आपके खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई जो है मैं करने जा रहा हूँ। तो ऐसे में ऑब्वियसली कोई भी सामने वाला व्यक्ति होगा वो ये बोलेगा कि सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे गलत फंसाया है, जो भी वो बोलेगा। तो सामने वाला ये बोलेगा कि ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, मुझे पता है आपके ऊपर गलत इल्जाम लगा है, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। जब ऐसा होता है तब सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि ये व्यक्ति जो है मेरे चंगुल में है, तब वो वही करता करवाता है जो वो चाहता है उनसे। वो कहता है कि ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, आपको मैं वीडियो कॉल करके ये प्रूव कर देता हूं कि मैं एक ऑफिसर हूं। तो वो ऐसे में आपको वीडियो कॉल करता है, पुलिस की वर्दी में रहता बकायदा, और पीछे का उसका बैकग्राउंड जो है वो एआई की मदद से या किसी भी तरीके से वो पुलिस स्टेशन का बना लेता है। तब आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये सच में पुलिस अधिकारी है और वो आपको बोलता है कि मैं आपको जो है इससे मदद करने की कोशिश करूंगा, बचाऊंगा। तो वो आपको बोलता है कि मैं जैसा बोलूंगा वैसे आप करते जाइए, धीरे धीरे आप अपनी पर्सनल डिटेल वो आपसे सारी ले लेता है, आपका बैंक अकाउंट और ये सारी चीजें ले लेता है और आपसे पैसे भी डिमांड करते हैं। तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि शायद ये मेरी मदद कर रहा है, पैसे लग रहे होंगे, तो वो दे देता है और इसी को साइबर अरेस्ट कहते हैं। ये यूजुअली ऐसे लोग इसके शिकार होते हैं जिनके वो पता नहीं होता है कि ये चीजें आज के टाइम में हो रही है। यूजुअली बुजुर्ग जो है इतने टेक्नोलॉजी में माहिर नहीं है, वो साइबर अरेस्ट के शिकार होते हैं, डिजिटल अरेस्ट के शिकार होते हैं। तो अगर कोई ऐसा किसी व्यक्ति के साथ हो गया है जिसमें ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है और उसको कोई डिजिटली अरेस्ट करके रख रहा है, तो उसके सामने विकल्प ये होता है कि वो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को बिना भनक लगे उसकी साइबर क्राइम में एक FIR करवा दे। और साथ ही साथ अगर आप FIR नहीं करवा सकते हैं तो साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर जो है वो बहुत ही सिंपली मैंने नीचे दे रखा है, इस पर आप कॉल कर दीजिए, वो आपकी मदद करेंगे। नहीं तो आप ऑनलाइन cybercrime.gov.in पे जाकर के अपनी कंप्लेन जो है रजिस्टर कर सकते हैं। ध्यान रहे, ऐसे व्यक्ति को ये पता नहीं चलना चाहिए कि उसके खिलाफ कंप्लेन हो गई है। वो आपको जो बोल रहा है वो आप करते रहिए, बस आप अपनी जो है डिजिटल जानकारी है, जो गोपनीय जानकारी है, वो सही नहीं बताए उसको आप गलत बता सकते हैं, ऐसे गुमराह कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी शिकायत होगी, धीरे धीरे पुलिस उस तक पहुंच जाएगी और उसको पकड़ सकती है। तो इस तरीके से आप साइबर अरेस्ट जैसे आप बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखते रहने हैं तो आप हमारे चैनल एडवोकेट राज राठौड़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं।